दोस्तों कमिंग्स का 125 का डीजी और इसका सिटी रोस्टर जो कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका ये है कंट्रोलर, तो अभी ये ऑटो मोड में है, अभी इसको स्टॉप करना है। जैसे स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद देखिए इसका जो रेड इंडिकेटर है ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब इसको इसका सिटी रेशो सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रीसेट बटन है और ये जो ओके बटन है इसको दोनों को एक साथ 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका जो ब्लिंक है इसका स्पीड बढ़ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो मेन मेनू है इसमें ओके करना है। ओके करने के बाद ये आ गया 3 फेज टाइप, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ अप एंड डाउन करके आपको सिटी रेशो तक आना है। ये सिटी रेशो आ गया, और भी कुछ आ सकता है, अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। अल्टरनेटर सेटअप 3 फेज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेट, और उसके बाद नॉर्मल वोल्ट LL, ये सब सेट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सिटी रेशो सेट करना है, तो सिटी रेशो में जाके आपको एक बार ओके करना है। ओके करने के बाद ये आ गया 300, और जो हमारा जो सिटी है, सिटी का जो 5A रहता है, ये हर कंट्री में रहता है 5A। फिलहाल हमारा जो है ये 300 है, तो 300 पे ही है, तो इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कैसे सेट करते हैं। तो इसको अप एंड डाउन करके इसको कम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 500 हो गया, अप करके ये 250, फिर 200, ऐसे करके सेट करते हैं। तो हम अभी जो ये 300 का है अब तो 300 में रख देता हूँ, ऐसे करके सेट करते हैं। उसके बाद आपको एक बार ओके करके बैक करना है, बस ये अल्टरनेटर सेव है। उसके बाद बैक करके मेनू में जाके सेव करना है, ये सेव है, सेव करके बस ये सेट हो गया।